सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉक्स। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 7G के बारे में, इंडिया में कब लॉन्च होने वाली है, क्या चीज़ें होने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं आज की। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करें इसकी लॉन्च से। तो जैसा कि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्टिवा 7G लॉन्च होने वाली है भी अगस्त के टाइम पे, तो गाइस ऐसा नहीं हुआ। होंडा ने हमें ऑफिशियली बेवकूफ़ बना दिया। उसने एक्टिवा 6G का प्रीमियम एडिशन, या यू कहें रीब्रांड करके एक्टिवा प्रीमियम एडिशन लॉन्च कर दिया। लेकिन गाइस उससे सबसे बड़ा इंटू ये मिल जाता है हमें, क्योंकि हमने देखा है जब भी जैसे एक्टिवा 5G आई थी, उसका प्रीमियम एडिशन आया था, स्पेशल एडिशन आया था, उसके बाद एक्टिवा 6G लॉन्च हुई थी कुछ महीनों बाद। तो होंडा क्या करता है, जो पुरानी सीरीज़ होती है उसका नाम चेंज करके प्रीमियम में कर देता है, ताकि बचे हुए स्टॉक को क्लियर कर सके और जो नया स्टॉक है वो आ सके और लोग नए व्हीकल्स को खरीद सके। तो ऐसा ही होने वाला है। अब जिस तरह से ये अगस्त के टाइम पे उसने नया प्रीमियम एडिशन, स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है एक्टिवा 6G का, वैसे तो 6G नाम नहीं दिया उसको, तो इसकी वजह से अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर ही एक्टिवा 7G लॉन्च हो जाएगी। अब महीनों की बात करते हैं गाइस, तो जो सबसे अच्छा जो होने वाला है लॉन्च डेट, उसके लिए होने वाला है 14 जनवरी या 15 जनवरी 2023 का, क्योंकि गाइस आपको पता है 2020 में भी ऐसा ही लॉन्च हुआ था पिछली बार। तो इसी तरह से हो सकता है एक्टिवा 125 वगैरह भी काफ़ी लॉन्च हुई थी बीच में। तो ये जो होंडा को काफ़ी अच्छी लगती है डेट, अब कुछ कंपनी की स्पेसिफिक डेट्स होती है, तो उसी हिसाब से गाइज तो बेस्ट बेट यही होने वाली है। और इसी के साथ साथ गाइज बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो है वो भी अराउंड 78,000 to 80,000 के आसपास होने वाली है आपकी एक्स शोरूम प्राइसेस, और इसके बाद ऑन रोड प्राइसेस में टैक्स, RTO, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मिला के प्राइस बढ़ जाएगी। और जो प्रीमियम एडिशन आया है अभी एक्टिवा का, उसकी भी प्राइस इतनी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ी सी उससे प्राइस बढ़ जाएगी। एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, नए डिज़ाइन के साथ आने वाली है, देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन होने वाला है। हो सकता है पतली हो जाए पहले से, या हो सकता है डिज़ाइन चेंज भी हो जाए। इसके साइड में आपने वो ब्लैक वाली स्कूटी देखी होगी, क्या पता उसके ऐसा भी डिज़ाइन हो सकता है इसका, क्योंकि गाइज अभी तक होंडा के सोर्सेज से कोई भी ऐसी अपडेट तो नहीं आई है एग्जैक्टली। तो हमें देखना होगा कैसी डिज़ाइन होगी, क्योंकि उसने प्रीमियम एडिशन भी अभी जो 6G का है वो एकदम से लॉन्च कर दिया। इसके साथ साथ माइलेज जो है 55 किलोमीटर पर लीटर की होने वाली है, और टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर लीटर की होने वाली है। ये रेड कलर आपने देख लिया, मरून टाइप का कलर है। इसी के साथ साथ और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, इन चारों में से एक भी वीडियो देख लेना। और मैं मिलता हूँ गाइज आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर गाइज।